हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने आर्टवर्क को किस तरीके से शिप कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, ताकि वो आर्टवर्क अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और उसमें कुछ डैमेज ना आए। छोटे आर्टवर्क को शिप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सिंपल तरीके से भी शिप हो जाता है, लेकिन जो आर्टवर्क बड़े साइज के होते हैं तो उसको शिप करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं जो तरीका बताऊँगा उसे आप किसी भी साइज़ के आर्टवर्क को कहीं भी शिप कर सकते हैं और उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। एक तरीका है जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, वो है इस तरीके के कार्डबोर्ड को यूज़ करना शिपिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपको इस तरीके का दो कार्डबोर्ड लेना होता है और आप अपने आर्टवर्क को इसके बीच में रख सकते हो और इसको फिर एक दूसरे, मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, इससे आप कवर करके आप इसको फिर सील करके इसको आप शिप कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये A3 A4 साइज के तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े साइज के पेंटिंग शिप करते हो, जैसे कि ये साइज हो गया, तो उसमें आप इस तरीके से शिप नहीं कर सकते और A3 साइज में भी डैमेज होने के चांस होता है। A4 साइज के लिए तरीका ठीक है, बेस्ट है, लेकिन अगर बड़े साइजेस को शिप करना है तो उसके लिए कुछ और तरीका है। तो मैं ज़्यादातर अपने शिपिंग के लिए इस तरीके के शिपिंग ट्यूब्स के यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इस टाइप के मैंने 25 पीसेस ऑर्डर किए थे और जो कि मुझे लगा था 1500 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर पीस। इससे सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही इसमें आपको इस तरीके के कैप्स भी मिलते हैं। तो आप इसमें अपने आर्टवर्क को रख के इस तरीके से इसके कैप को भी आप लगा सकते हो। तो इतना कुछ मिल रहा है तो 60 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें अपने आर्टवर्क को शिप करने के लिए, क्योंकि आर्टवर्क जो भी है वो काफ़ी महंगे होते हैं और जो भी कस्टमर आपसे ले रहा है आर्टवर्क, उसको सही सलामत मिले ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी स्ट्रांग है और अच्छे से शिप हो जाता है इसमें। और ये शायद 14 इंच का है। तो इस टाइप के ट्यूब्स काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। आप सिंपली अगर शिपिंग ट्यूब्स सर्च करोगे अमेज़ॉन पे तो आपको इस टाइप के ट्यूब्स मिल जाएंगे। और इसकी विड्थ जो है ये 3 इंच का है, इससे एक छोटा भी आता है, 2 इंच का एक आता है, लेकिन उसमें अपने आर्टवर्क को काफ़ी पतला आपको रोल करना पड़ेगा, जिसमें आपका आर्टवर्क डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये 3 इंच बेस्ट है। और विथ कैप अगर आप ऑर्डर करोगे, विथ कैप अगर आप इस ट्यूब को यूज़ करोगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, साइड से भी मुड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर बिना कैप का आप करते हैं तो साइड से ये मुड़ने का चांस होता है। और इसकी साइज़ तो वही 14 इंच के आसपास है, बाकी सारे साइजेस में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर छोटे साइज़ के पेंटिंग से शिप करते हैं और कभी कभार आपके पास बड़े साइज़ का ऑर्डर आता है, तो फिर आप बड़े साइज़ के स्टॉक में क्यों खरीदोगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के दो ट्यूब्स को ऐसे सिंपली ज्वाइन करके यहाँ पे टेपिंग कर सकते हो। इस तरीके से भी मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग शिप किए हैं दोनों को ज्वाइन करके। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली एक बड़ा साइज़ का भी ट्यूब ले सकते हो, जैसे ये साइज़ के भी ट्यूब्स आते हैं। जैसे ये तो मुझे क्रिएटिव हैंड्स ने सेंड किया था इसमें पेपर डाल के, तो ये मेरे पास फ्री में आ गया, लेकिन आप ये साइज़ के भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा करना है तो इस साइज़ के आप दो ऑर्डर करिए, फिर उसको आपस में टेप से स्टिक कर दीजिए, वो आराम से शिप हो जाएगा। तो ये था मेरा वो कंटेनर जिसमें मैं पेंटिंग्स को रख के शिप करता हूँ। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपने पेंटिंग्स को पैक करता हूँ ताकि वो सेफली पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो पैकिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस तरह का बटर पेपर, जो सबसे बेस्ट होता है, आपके पेंटिंग्स को पूरी तरीके से सेफ रखेगा ये, और काफ़ी स्मूथ होता ही है, तो पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। अब इसमें रख के आराम से अपने पेंटिंग्स को पैक कर सकते हो। तो देखते हैं मैं अपने पेंटिंग्स को कैसे पैक करता हूँ। तो अभी मैं ये दोनों आर्टवर्क को पैक करके शिप करने वाला हूँ। ये दोनों उड़ीसा से कमीशन वर्क है, ये दोनों काफ़ी एक पुराने पिक्चर का रिक्रिएशन है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं है पेंटिंग में। जो रेफरेंस था उसमें डिटेल्स काफ़ी कम थे, बहुत मुश्किल से ये बना है। तो इसको अभी पैक करते हैं।
इसको रोल करके इसके अंदर डालना है। ज़्यादा टाइटली इसको रोल ना करें, पेंटिंग मुड़ना नहीं चाहिए। तो ये रोल हो चुका है और रोल करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि जा रहा है या नहीं। परफेक्ट। अब एक और ट्रेसिंग पेपर लेंगे। इस बार आप ट्रेसिंग पेपर की जगह एक सिंपल न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन डेलिकेट चीज़ है वो अंदर है, वो सेफ है। अब बस इसको एक बार रोल करके टेपिंग कर देंगे ताकि ये खुले ना। इसमें आप थोड़ा सा बबल रैप या फिर न्यूज़पेपर वगैरह ऐसे डाल सकते हो ताकि वो अंदर में एक जगह पे स्टेबल रहे, ज़्यादा इधर उधर ना हो, लुचुर पुचुर ना करे। और ये हो गया है सील पूरा अच्छे से। अभी से करना है वाटरप्रूफ ताकि अगर बारिश वारिश हो, पानी वानी गिरे तो ख़राब ना हो। और उसके लिए नॉर्मल ब्राउन टेप जिसके एजेस को सील करेंगे। ऑल राइट, तो हो गया हमारा कुरियर रेडी धनबाद से उड़ीसा ट्रैवल करने के लिए एंड विथ नो डैमेज ऑब्वियसली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आता हूँ उसे कुरियर करके। थैंक यू।